आज मैं पंजाब का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे सूबे पंजाब के हकों के लिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पंजाब भारत का ब्रेड बास्केट कहलाता है। बार बार हमने ये फंड जारी करने की मांग रखी है। आज मैं एक बार फिर 3 करोड़ पंजाबियों की ओर से केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि हमारा फंड हमें जारी किया जाए, जिससे पंजाब में विकास कार्य पूरे हो सके। श्री राघव चड्ढा। थैंक यू सर फॉर परमिटिंग मी टू स्पीक ऑन द स्पेशल मेंशन ऑन अ सब्जेक्ट दैट कंसर्न्स माय स्टेट। द टॉपिक इज कंसर्न ओवर डेवलपमेंट वर्क्स इन पंजाब। आज मैं पंजाब का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे सूबे पंजाब के हकों के लिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पंजाब वो सूबा है जिसने देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दीं। पंजाब ने देश को हरित क्रांति दी और देश के मुश्किल दौर में पेट पाला। देश की आज़ादी से लेकर आज तक पंजाब और पंजाबियों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। पंजाब भारत का ब्रेड बास्केट कहलाता है और हमारे किसान, जिन्होंने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया, आज मैं उस किसान की आवाज़ बनकर यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज पंजाब की अलग अलग योजनाओं के हजारों करोड़ रुपए जो केंद्र ने हमें देने थे वो रुके हुए हैं। लंबित रूरल डेवलपमेंट फंड का 5600 करोड़, लंबित मंडी डेवलपमेंट फंड का 1100 करोड़, लंबित नेशनल हेल्थ मिशन का 1100 करोड़, लंबित समग्र शिक्षा एजुकेशन का 180 करोड़, स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल क्रिएशन का 1800 करोड़। बार बार हमने ये फंड जारी करने की मांग रखी है। आज मैं एक बार फिर 3 करोड़ पंजाबियों की ओर से केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि हमारा फंड हमें जारी किया जाए, जिससे पंजाब में विकास कार्य पूरे हो सके। आज मैं पंजाब का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे सूबे पंजाब के हकों के लिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पंजाब भारत का ब्रेड बास्केट कहलाता है। बार बार हमने ये फंड जारी करने की मांग रखी है। आज मैं एक बार फिर 3 करोड़ पंजाबियों की ओर से केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि हमारा फंड हमें जारी किया जाए, जिससे पंजाब में विकास कार्य पूरे हो सके। श्री राघव चड्ढा। थैंक यू सर फॉर परमिटिंग मी टू स्पीक ऑन द स्पेशल मेंशन ऑन अ सब्जेक्ट दैट कंसर्न्स माय स्टेट। द टॉपिक इज कंसर्न ओवर डेवलपमेंट वर्क्स इन पंजाब। आज मैं पंजाब का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे सूबे पंजाब के हकों के लिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पंजाब वो सूबा है जिसने देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दीं। पंजाब ने देश को हरित क्रांति दी और देश के मुश्किल दौर में पेट पाला। देश की आज़ादी से लेकर आज तक पंजाब और पंजाबियों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। पंजाब भारत का ब्रेड बास्केट कहलाता है और हमारे किसान, जिन्होंने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया, आज मैं उस किसान की आवाज़ बनकर यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज पंजाब की अलग अलग योजनाओं के हजारों करोड़ रुपए जो केंद्र ने हमें देने थे वो रुके हुए हैं। लंबित रूरल डेवलपमेंट फंड का 5600 करोड़, लंबित मंडी डेवलपमेंट फंड का 1100 करोड़, लंबित नेशनल हेल्थ मिशन का 1100 करोड़, लंबित समग्र शिक्षा एजुकेशन का 180 करोड़, स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल क्रिएशन का 1800 करोड़। बार बार हमने ये फंड जारी करने की मांग रखी है। आज मैं एक बार फिर 3 करोड़ पंजाबियों की ओर से केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि हमारा फंड हमें जारी किया जाए, जिससे पंजाब में विकास कार्य पूरे हो सके।